आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं वॉल्यूम इन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन व्हाई देयर वैल्यूज आर डिफरेंट इन द इज दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, राइट। सो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की, सो मॉलिक्यूलरिटी होता है कि बेसिकली कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बेसिकली आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द रिएक्शन, सो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, राइट। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ द रिएक्शन विद द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट, विद द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू इन्वॉल्व होते हैं इस केमिकल रिएक्शन में। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये सम होता है ऑफ द पावर्स, सम ऑफ द पावर्स होता है जो हमारे पास रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स की जो कंसनट्रेशन होती है, राइट, उनकी जो पावर होती है उनका सम जो होता है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, राइट। अब होता है कि अगर कोई रिएक्शन है मेरे पास जैसे एलिमेंट्री जो एक स्टेप में कंप्लीट हो गई, तो उसके लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है मतलब जितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वही उसका ऑर्डर हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर सपोज कर लो मैं ये मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी, इसके लिए मैं अगर रेट डिफाइन करती हूँ, सो क्या होगा, रेट कॉन्स्टेंट, कंसनट्रेशन ऑफ ए, कंसनट्रेशन ऑफ बी, राइट। सो ए का जो स्टोइकोमेट्री है वही इसकी क्या होगी, ऑर्डर हो जाएगी सिमिलरली बी की भी। सपोज कर लो बी के आगे मेरे पास टू लगा होता, सो उसकी जो उसका जो ऑर्डर, उसका ऑर्डर जो होता है उसके रिस्पेक्ट में टू हो जाता। अब इन दोनों का अगर मैं सम कर देती हूँ सो वो टोटल ऑर्डर मेरे को बताएगा टू, राइट, ये इंडिविजुअल ऑर्डर है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, इनका सम जो है मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताएगा, फाइन। बट ये कब होगा, आप स्टोइकोमेट्री कब लोगे, जब आपके पास क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मुझे यहाँ पर रिएक्शन गिवन है इसकी अगर मैं बात करती हूँ, सो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये एक सोडो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। मतलब सोडो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेसिकली एस्टर का, और सोडो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारे पास जो वाटर होता है वो हम अगर एक्सेस में ले रहे हैं तो उसकी कंसनट्रेशन जो है रिएक्शन में काउंट नहीं होती, उसकी हम कॉन्स्टेंट लेकर चलते हैं। सो रेट जो होता है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपकी ये जो एस्टर है इसकी कंसनट्रेशन पर, क्योंकि सिंगल स्टेप में कम्प्लीट हो रही है, तो इसके में हमारे पास जो भी इसकी स्टोइकोमेट्री वही इसका ऑर्डर होगा, और यहाँ पर जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी है वो भी क्या हो जाएगी आपकी। देखो मॉलिक्यूलरिटी तो बेसिकली टू होगी क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, राइट, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स तो टू है, राइट, सो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी तो टू होगी। बट इस केस में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होंगे क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन आप कॉन्स्टेंट ले रहे हैं और वो रेट में अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डिफर करेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के बीच में, फाइन। सो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर आपका क्या होगा, सिर्फ वन होगा, क्लियर। डिफरेंस होने का रीजन बस ये है क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के केस में उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। दिस इज योर आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।